राजधानी जयपुर के अंदर मेट्रो को शुरू हुए हुए काफी लंबा समय हो गया, आप सभी को बता दें कि लेकिन उसके बाद में भी 4 DPR जारी कर दी गई और अब एक बार फिर से नई DPR लाने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों? इसमें अब जब हाल ही में भजनलाल सरकार का बजट पेश हुआ जो डिप्टी CM दिया कुमारी ने किया, उन्होंने इसके अंदर एक और DPR जारी करने की बात कही है जिसमें कई अहम फैसले होते हुए नजर आएंगे, जिसमें बजट की भी बात होती हुई नजर आएगी। तो दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि मेट्रो का विस्तार कहां से कहां तक होने जा रहा है और DPR के अंदर क्या कुछ नया प्लान अब भजन सरकार बनाएगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज 2 में बड़ा बदलाव किया। अब तक सीतापुरा से आंगनवाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो को विद्याधर नगर तक चलाने की घोषणा की है। इसकी घोषणा गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की। अंतरिम बजट पेश करते समय दिया कुमारी ने जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो फेज 2 के नए रूट की DPR तैयार करने के निर्देश दिए। इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय फेज 2 की पहली DPR बनाई जा चुकी है। साल 2012 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से बनवाई DPR में 23.8 किलोमीटर का ट्रैक प्रस्तावित किया था। इस ट्रैक को बनाने में करीब 10,400 करोड़ रुपए की लागत आ रही थी और कांग्रेस सरकार ने बाद में इस रूट पर आने वाली लागत को कम करने के लिए संशोधित DPR भी तैयार करवाई थी। इसमें अंडरग्राउंड ट्रैक की लंबाई को कम करके उसे एलिवेटेड किया गया और ट्रेन को JLN मार्ग के स्थान पर सीधे टॉक रोड से निकाला गया। इसके बाद संशोधित DPR में लागत कम होकर 6,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।